अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाजरीन, अदाकार फिरोज खान पर जो आजकल उनके सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, उनकी जो कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, जो उन्होंने अपनी साबिक अहलिया पर तशद्दुद किए थे और वो जो चीज़ें सारी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, उसके जो एविडेंसेस थे, उसके बाद से उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटते जा रहे हैं। रोज बरोज उनके लिए कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी जाती है, उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जो उनके को स्टार्स रह चुके हैं, जो उनके कोलीग्स रह चुके हैं, उनकी तरफ से इस बात की, इस अमल की बहुत पुरजोश मजम्मत की गई है। उन्होंने इनके खिलाफ बहुत कुछ बोला है कि जैसे मीनार खान का कहना था कि ये जहनी बीमार है और इनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने यही बात की कि ये इस काबिल नहीं है कि ये हमारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि कोई भी रीज़न ऐसा नहीं है जो इस बात को, इस अमल को जस्टिफाई कर सके कि आपने एक औरत पर हाथ उठाया, आपने एक औरत को मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद आप एक रीज़न दे दो कि इसने ये किया था या इस वजह से मैंने इसको मारा। तो ये चीज़ आपके जो आपका हाथ उठाना है औरत पे, जो आपका तशद्दुद करना है, उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि कहीं भी ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप अपनी बीवी को, अपनी औरतों को मारो। जिसकी वजह से जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं इनकी वजह से, और वो सब इनकी साबिक अहलिया अलीज़ा सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। उनको इस बात पे शाबाश भी मिली है सारे सेलिब्रिटीज़ की तरफ से कि अलीज़ा ने एक अच्छा फैसला किया घरेलू तशद्दुद पर आवाज़ उठा के। उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि वो उन्होंने अपनी जो राहें हैं वो अलग कर ली इनसे और इनकी जितनी भी असलियत है वो सारी सबके सामने लेकर आई हैं। जो फिरोज खान के ऑपोजिट मरकजी किरदार अदा कर रही थी इकरा अजीज, अदाकारा ने फिरोज खान के साथ नया प्रोजेक्ट ना करने का फैसला किया है। उन्होंने एक ट्वीट की है, एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जुल्म के सामने खामोश रहना जुल्म का साथ देने के मुतरादिफ है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि अगर आप किसी बात पर, किसी जुल्म पर आप खामोश रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमन पसंद हैं या आप बहुत ज्यादा पीस पसंद करते हैं, उसका मतलब ये है कि आप भी जालिम के साथ हैं क्योंकि आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। तो उन्होंने कहा कि जुल्म के सामने खामोश रहना जालिम का साथ देने के मुतरादिफ है। और इकरा अजीज ने यह भी कहा अपने पैगाम में कि घरेलू तशद्दुद से मुतालिक माशरती सूरत हाल बदलने के लिए मैंने फिरोज खान के साथ आने वाला अपना नया प्रोजेक्ट ना करने का फैसला किया है, ये मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा ये फैसला घरेलू तशद्दुद के खिलाफ एक आवाज बनेगा, मैं इंसाफ के हुसूल के लिए आवाज उठाने वाली अलीज़ा सुल्तान की हिमायत करती हूँ। इकरा अजीज ने भी अलीज़ा सुल्तान की हिमायत की है, वो भी उनके साथ उनको सपोर्ट कर रही हैं और उनका ये एक बहुत अच्छा जो है फैसला था जो उन्होंने किया है कि वो अब फिरोज के साथ काम नहीं करेंगी, जो प्रोजेक्ट से उन्होंने उसमें काम करने से मना कर दिया फिरोज के ऑपोजिट, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। उसकी वजह से और लोग भी इसी तरह का अमल करेंगे और फिरोज खान को पता लगेगा कि उन्होंने जो हरकत की है या जो वो काम कर चुके हैं वो एक बहुत बड़ा अमल था, जो वो करके बिल्कुल भी शर्मिंदा भी नहीं है। वो बहुत डिटाई से पोस्ट करते फिर रहे हैं कि मैं जो है ना लीगल एक्शन लूंगा इसके खिलाफ, मैंने तो कुछ नहीं किया और मैं तो जानता हूँ कि इंसानी हुकूक क्या है, मैं तो हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग चलता हूँ। तो ये सारी बातें उन्होंने की थी जिसका साफ मकसद यही है कि वो अपना जो भी उनका फेल है वो उसके ऊपर जरा भी शर्मिंदा नहीं है और वो बिल्कुल जो है सेटिस्फाई है अपने अमल से। अदाकार उस्मान फारूक बट ने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ अमली इकदाम करने पर अदाकारा इकरा अजीज को खराज तहसीन पेश किया है और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अब नाज़रीन, जो इकरा अजीज ने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं फिरोज खान के साथ काम नहीं करूंगी, उस पर उनको बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। उस्मान फारूक बट ने उनकी ट्वीट को जो है ना बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है, उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा पसंद किया है कि इकरा अजीज ने एक अच्छा फैसला लिया और उन्होंने उनको बहुत ज्यादा नेक तमन्नाओं की और बहुत सारी दुआएं भी दी हैं। दूसरी जानब अदाकारा सोनिया मिशाल फिरोज खान की बहनों हुमायमा मलिक, दुआ मलिक और इनकी वालदा पर बरस पड़ी। सोनिया मिशाल ने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि हुमायमा मलिक और दुआ मलिक और इनकी वालदा को शर्म आनी चाहिए कि वो इस सारे अमल पर खामोश हैं। उनकी तरफ से कोई भी बयान या कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे भाई ने, हमारे बेटे ने गलत इकदाम किया है, उनकी तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया सामने, ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई जिसका मतलब बज़ाहिर यही है कि आप उस चीज़ को, आप अपने भाई के, आप अपने बेटे के उस अमल को जस्टिफाई कर रहे हैं, आपको वो गलत नहीं लग रहा। सोनिया मिशाल ने मजीद लिखा कि मुझे यकीन है इन लोगों ने अलीज़ा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखे होंगे, यकीन नहीं आता कि एक औरत दूसरी औरत की मदद नहीं कर रही।
उन्होंने फिरोज खान को मुखातिब करते हुए कहा कि यकीन नहीं आता तुम अपने आप को तालीम याफ्ता और जदीद कहते हो, दो कुतबी लहजे में बात करते हो और किसी शेख से रहनुमाई भी हासिल करते हो। तुम एक शदीद औरत बेजार मगर कमजोर मर्द की बेहतरीन मिसाल हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फिरोज खान दीन की तरफ बहुत ज़्यादा रागिब हैं। उनकी अक्सर जो सोशल मीडिया पे पोस्ट होती हैं, जो अक्सर वो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते हैं, वो दीन के मुतालिक ही होती हैं। तो सोनिया ने इसी बात को रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हुए कहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसा शख्स भी ये काम कर सकता है, लेकिन तुम कर रहे हो। फिरोज खान को औरत बेजार और जहनी मरीज करार दिया है। नाज़िम, यहाँ पर हुमैमा मलिक की जो बात हो रही है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि हुमैमा मलिक की जो डिवोर्स हुई थी शमून अब्बासी से, तो उसका रीज़न भी यही था कि शमून भी उनके ऊपर जो है तशद्दुद करते थे, उनको मारते पीटते थे, अब्यूजिव रिलेशनशिप था, जिसकी वजह से उनकी तलाक हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक औरत जो खुद उस सारे मसले मसाइल से गुजरी है, उस सारी सिचुएशन से गुजरी है, उसका इस बारे में बात ना करना समझ से बाहर है। उनको अपनी भाभी की, अलीज़े सुल्तान की हिमायत करनी चाहिए थी, उनके साथ खड़े होना चाहिए थे, लेकिन उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। हालांकि वो खुद उसी सारी सिचुएशन से गुजर कर यहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन वो किसी मामले में नहीं बोल रही, वो कुछ नहीं बोल रही। यहाँ पर तो काम ये बनता था कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में होने के बाद उन्होंने वो रिलेशनशिप खत्म कर दिया था। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो हमें इस बारे में बात करती हुई भी नजर आई कि उनका रिलेशन कैसा था, किस वजह से उन्होंने डिवोर्स ली, और ये सब उन्होंने बातें की हैं। लेकिन अब जब उनके घर की बारी आई है, तो वो अपने भाई को किसी सूरत जो है ना गलत नहीं कह रहे, बल्कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो बिल्कुल चुप है। सारे मामले पर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, दुआ मलिक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, फिरोज खान की वालदा की तरफ से इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई, जो कि एक इंतहाई गलत बात है। और उनका कोई ना कोई इस पे रद्दअमल आना चाहिए था। जिस तरह के सोनिया ने कहा कि एक ही घर में रहते थे, तो अलीज़े के साथ जो तशद्दुद होता था, उसके निशाना ये लोग देखती होंगी, हमने तो सोशल मीडिया के थ्रू देखे हैं, लेकिन इन्होंने तो वहाँ पर रहते हुए वो सारी सिचुएशन अपनी आंखों से देखी है। लेकिन उसके बावजूद अगर इनका बयान नहीं आ रहा, तो हमें नहीं पता कि इनको क्या कहना चाहिए। ये तो अब इनको खुद सोचना चाहिए कि अब ये किस कैटेगरी में जो है ना जाने जाएंगे। नाज़रीन, इस सारे मामले में अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी फिरोज खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि फिरोज खान जैसे मर्द जो ये समझते हैं कि वो मुंतखब करदा हैं और अल्लाह और ताकत के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे मर्दों को दुनिया में इनका सही मकाम बताने के लिए इनकी मजम्मत की जानी चाहिए कि वो इस सौले किरदार के मालिक नहीं जिसे वो जाहिर करते हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि मेरा दिल अलीज़े और इसके बच्चों के लिए गमजदा है कि इसे अपनी शादी कामयाब बनाने के लिए ये सब कुछ सहना पड़ा। मैं इन तमाम ख्वातीन के लिए दुआगो हूँ जो घरेलू और जहनी तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाती हैं। नाज़रीन, ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा मसला है। वैसे तो मसले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये एक बड़ा मसला है। उनमें से कि जहनी तशद्दुद एक चीज होती है, एक चीज होती है जिस्मानी तशद्दुद। बहुत जगह पे देखा जाता है कि शादी हुई है, उसके बाद फिर हमें जो हमारी बेटी है, बहन है, वो थोड़ी सी डर लगने लग जाती है और हम इग्नोर कर देते हैं इस बात को, क्योंकि हमें सिर्फ वो नज़र आता है जो जिस्म पे निशानात होंगे वो नज़र आते हैं, जो जहन में जो असर पड़ रहा है, जो मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, उसके ऊपर कोई खास ज्यादा गौर नहीं किया जाता। वैसे तो हमारे माशरे में जिस्मानी तशद्दुद पे भी ज्यादा गौर नहीं किया जाता, बस यही कहा जाता है कि अब तो तुम्हारा नसीब है, मैनेज कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोई बात नहीं बेटा, आगे जाके सही हो जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं, ये एक लड़की को, एक औरत की शख्सियत खराब करके रख देती हैं, क्योंकि कोई उनको समझता नहीं है। यहाँ पर अलीज़े ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, जो उन्होंने सारा कुछ आके सबको बताया है, उनको सब इस बात पर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो बात थी अलीज़े की जो सोशल मीडिया पर आ गई। कितनी हमारी बहनें बेटियां ऐसी हैं जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो बात करती भी है तो उनको उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनको चुप करवा दिया जाता है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अब तो तुम्हारी शादी कर दी है हमने। यहाँ पर मैं ये बात फिर से कहना चाहूंगी, मैं अक्सर बोलती हूँ ये बात कि तलाक याफ्ता बेटी या आपके घर में बैठी हुई बेटी मुर्दा बेटी से बेहतर है। ये बात बेहतर होगी कि वो आपके घर में जिंदा सलामत हंसी खेलती बैठी रहे, ना कि ये हो कि वो ये सारा कुछ बर्दाश्त करते हुए, तशद्दुद और ये सारी हरकतें बातें बर्दाश्त करते हुए वो एक दिन मर जाए और आप कहें हमारी बेटी मर गई। हालांकि उसको मारने में आपका भी किरदार उतना ही है कि आपने उसकी बात नहीं सुनी, आपने उसको सपोर्ट नहीं किया, आपने उसको अपना डिसीजन लेने नहीं दिया। डिसीजन
डिसीजन पेरेंट्स के सही होते हैं, पेरेंट्स अपनी तरफ से बहुत अच्छा फैसला करते हैं, सारी छानबीन करके फैसला करते हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता होता। तो आगे क्या होने वाला है वो आपको नहीं पता, इट्स ओके, लेकिन आगे जो हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी बेटियों का साथ दें, उनको सपोर्ट करें, वरना हमें और बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे, जिस तरह के सारा इनाम का केस हमारे सामने आया जिसको उसके शौहर ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया, हमारे सामने नूर मुकदम का केस आया उसको मार दिया गया। तो इससे बेहतर है कि आपकी बेटी आपके पास बैठी रहे, जिंदा सलामत आपके घर में बैठी रहे। तो नाज़रीन, जब आपको आपकी बेटी आपकी बहन आकर बताती है कि ये मामला चल रहे हैं उनके सारे घर में या उनकी पर्सनल लाइफ में ये सारे मामला चल रहे हैं, तो खुदारा उनको सपोर्ट करें, ये नहीं कहें कि जो है ना तुम अब उनको निभाओ, जैसे तैसे निभाओ, जो मर्जी करो, अब वही तुम्हारा घर है। ये बात बहुत ज्यादा गलत होती है, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, आप सोच नहीं सकते कि दिल टूट जाता है इस बात पे, लेकिन क्योंकि आपने अपनी बेटी ब्याह दी है तो आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, हालांकि जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, आपकी बेटी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी हमेशा ही रहेगी, आपने उसको हमेशा सपोर्ट करना है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।